नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी भाई। जो पर्यावरण दिन में अपना पंचायत वाला जो टॉपिक चल रहा है, पंचायत के टॉपिक में अपन ने पहले के क्लासों में क्या पढ़ा भाई, विकेंद्रीकरण, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े पंचायतों के बारे में, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में चर्चा की। आज चर्चा करेंगे भाई पंचायत के बारे में, क्या पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद है भाई, जिला परिषद। समझने वाली बात है, तीन स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अपन बात करेंगे आज ग्राम स्तर के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं भाई। समझने वाली बात है, ग्राम पंचायत का गठन 3000 की जनसंख्या वाले गांव में न्यूनतम सदस्य नौ। भाई ग्राम पंचायत का गठन कहां पे होता है, जहां पे 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव या गांवों का समूह हो, गांव या फिर गांवों का समूह। भाई एक गांव में 3000 जनसंख्या तो पाई नहीं जाती, लेकिन कई कई गांवों में बटे रहते हैं उनमें पाई जाती है। बाकी 3000 से जैसे गांवों के समूह जोड़ लिए जाते हैं, दो गांव हो जाए, तीन गांव हो जाए, इसे करके 3000 जनसंख्या से ऊपर एक ग्राम पंचायत बनती है। अगर 3000 जनसंख्या पर न्यूनतम सदस्य 9 होते हैं, तो अगर 3000 से अधिक जनसंख्या हो तो क्या होगा भाई। समझने वाली बात है, 3000 जनसंख्या होगी तो 9 सदस्य होंगे, 1000 प्रत्येक और 1000 सदस्य पर, फिर 1000 बढ़ गए, 1000 सदस्य और ज्यादा है, मान लो 4000 सदस्य हैं, 4000 सदस्य हैं तो कितने होगी, 11, 2 बढ़ जाएंगे, 5000 सदस्य हैं तो 13 होगी, 2 बढ़ जाएंगे। समझने वाली बात है, 3000 से अधिक होने पर 1000 सदस्य पर 2 और सदस्य बढ़ेंगे। भाई अगर गांव की जनसंख्या 3000 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, 3000 से ज्यादा होने पर 1000 पर 2 सदस्य बढ़ते हैं, 1000 पर कितने, 2 सदस्य बढ़ते हैं। आगे चलते हैं भाई, ग्राम पंचायतों की बात करें तो वर्तमान की बात करें तो 11152 जो अपन ने पहले पढ़ा था, 11152 पंचायतें हैं, छोटी इकाई वार्ड सभा। भाई ग्राम पंचायत की जो छोटी इकाई होती है उसे वार्ड सभा बोलते हैं, वार्ड सभा। क्षेत्र, गांव व गांव का समूह। ग्राम पंचायतों में हम क्षेत्र कौन से लेंगे भाई, गांव लेंगे। अगर गांव की जनसंख्या 3000 है तो एक गांव फिर दो गांव जोड़ लेंगे 3000 के लिए, क्योंकि 3000 से ऊपर भाई 3000 की जनसंख्या वाले गांव में ग्राम पंचायत होती है, गांव व गांव का समूह होता है। क्षेत्र, सदस्य कौन, सरपंच, उप सरपंच और पंच। ग्राम पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है सरपंच को, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष बहुमत के आधार पर चयनित किया जाता है, और स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है भाई। अपन पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में वर्तमान 11152 छोटी इकाई वार्ड सभा होती है, क्षेत्र गांव व गांव का समूह और सदस्य सरपंच, उप सरपंच, पंच। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष बहुमत के आधार पर चुना जाता है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई किसे, ग्राम सभा को कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई। भाई यहां तक समझ में आया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, सरपंच बोलते हैं। सरपंच की अब योग्यता क्या है, सरपंच की योग्यता के बारे में जानते हैं। स्थानीय नागरिक होना आवश्यक है सरपंच को, स्थानीय नागरिक होना अति आवश्यक है, और भाई आयु 21 वर्ष होनी चाहिए सरपंच के पद के उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष। अब समझने वाली बात है, 21 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए भाई। 21 नवंबर 1995 से पहले आपकी भले कितनी भी संतानें हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन 21 नवंबर 1995 को एक प्रस्ताव जारी हुआ, उसके बाद 2 से ज्यादा संतानें जिसकी होंगी वो चुनाव सरपंच का नहीं लड़ पाएगा भाई। 21 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए। 20 दिसंबर 2014 आठवीं पास होना चाहिए, SC ST पांचवी पास मान्य है। 8 दिसंबर 2014 शौचालय भाई, घर में शौचालय होना चाहिए 8 दिसंबर 2014 शौचालय अनिवार्य। किसी भी लाभ के पद पर नहीं, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए भाई। किसी भी जो सरपंच पद का उम्मीदवार है वह किसी भी लाभ के पद पर भाई स्थापित नहीं होना चाहिए, उसके नाम पर कोई ज्यादा प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी नहीं रहनी चाहिए,
सरपंच का वेतन 5,000 रुपये पर मंथ होता है, एक महीने का सरपंच को 5,000 रुपये मिलता है भाई। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? सरपंच को शपथ कौन दिलाता है भाई? पीठासीन अधिकारी दिलाता है, पीठासीन अधिकारी। त्याग पत्र विकास अधिकारी को, विकास अधिकारी को, विकास अधिकारी को त्याग पत्र भाई। सरपंच का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? विकास अधिकारी को। और सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी। ग्राम पंचायत बैठक की बात करें भाई, बैठक ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायतों में कितनी बैठक अनिवार्य है? प्रतिमा कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है, 2 मीटिंग्स होना अनिवार्य है। हर महीने की 5 व 20 तारीख को निश्चित होती है, कभी आगे पीछे हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी हर महीने की 5 या 20 तारीख को निश्चित होती है। ग्राम पंचायत में जो बैठकें होती हैं वो प्रतिमा कम से कम 2 बैठकें। और विशेष बैठक की बात करें तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, 8 मार्च महिला दिवस पर, 1 मई मजदूर दिवस पर, 15 अगस्त पर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, 14 नवंबर बाल दिवस पर। भाई स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस, 26 जनवरी, 8 मार्च महिला दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, ये 6 आयोजित करवानी विशेष बैठकें हैं, ये अनिवार्य हैं। गणतंत्र दिवस पर, महिला दिवस पर, मजदूर दिवस पर और स्वतंत्र दिवस पर और अपने गांधी जयंती पर और बाल दिवस पर, ये 6 बैठकें विशेष बैठकें हैं। और भाई बात करें अगर सरपंच को अपने पद से रिक्त किस प्रकार से होता है, सरपंच को अपना पद किस प्रकार से छोड़ना पड़ता है, तो इसको देखते हैं भाई। पद रिक्त त्याग पत्र देने पर, अगर सरपंच त्याग पत्र देता है तो अपन ने बात की थी भाई, त्याग पत्र किसे देगा? विकास अधिकारी को त्याग पत्र देगा। अगर सरपंच की मृत्यु हो जाती है तो पद रिक्त होगा वो। और अविश्वास प्रस्ताव जारी होने पर, अब अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से जारी होता है ये देखिए, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद भाई उसके बाद क्या होगा, 3/4 बहुमत के आधार पर उसे हटाया जाएगा। भाई समझने वाली बात है, 1/3 सदस्य तो द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद 3/4 बहुमत के आधार पर किसको, सरपंच को हटाया जाएगा। प्रारंभ के, अब समझने वाली बात है, प्रारंभ के स्टार्टिंग के 2 वर्ष भाई, सरपंच की जो सरपंच का पद होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। शुरुआत के 2 वर्ष और अंत का 1 वर्ष, शुरुआत के 2 वर्ष और अंत का 1 वर्ष आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। शुरुआत के 2 वर्ष में, शुरुआत के पहले और दूसरे वर्ष में और अंत के 1 वर्ष में आप अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं कर सकते, अविश्वास प्रस्ताव आप ला नहीं सकते। भाई यहां तक समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पंचायत टॉपिक में कुछ बिंदु और बच रहे हैं, बस फिर वो अपना पंचायत टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए और भाइयों में भेज दिया करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। भाई जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।